हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके लिए एक बेहतरीन साइंस का लेक्चर वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। और आज के दिन हम लोग को साइंस वन का आप लोग के लिए 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए यार चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी शुरुआत कर चुका हूं दोस्तों, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। केमिकल का पार्ट है, यानी केमिस्ट्री वाला पार्ट है, यानी कि यार इसको तो पढ़ना बहुत जमता ही है ना यार, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना बनता ही है। तो ये चैप्टर का हमला है लेक्चर नंबर 2, और ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि पिछला जो लेक्चर था, हमने इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि ये चैप्टर किस बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही में क्लासिफिकेशन के बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना थियरी बनाया कि हम इन एलिमेंट्स को इस प्रकार क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया वो था डॉबी राइनर्ट, और उसने अपना एक मेथड लेके आया जिसका नाम उसने रखा डॉबी राइनर्ट ट्रायड, यानी तिकड़ी का। हर तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, ये पूरा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, एंड फिर उसके बाद देखा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनको मीन अगर लिया जाए, और बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उससे अगर कंपेयर किया जाए, तो दोनों अगर सेम आएंगे तो ये क्वालिफाई होंगे, लेकिन सेम नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। तो 2 से 3 बार तो उसका क्वालिफाई हुआ, लेकिन यार चौथे पांचवें अटेम्प्ट में उसका फेल हो गया। तो यानी कि जो हमारा डॉबी राइनर्ट स्ट्राइक था वो कहीं ना कहीं फेल कर गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, दूसरा साइंटिस्ट आएगा, बोलेगा कि भाई तूने कुछ गलत किया था, अब मैं करके देखता हूं। तो वो अपना नियम बताएगा, अपना थ्योरी बताएगा, अपना मेथड बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, तो आज उन्हीं में से एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उनका जो मेथड है उनका नाम है दोस्तों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे ये डॉबी राइनर्ट भाई साहब ने तिकड़ी बताया था, यानी ट्रायड का बताया था कि हर तीन एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, एक साथ रखूंगा, वैसे न्यूलैंड जो है वो एक ऑक्टेव का लॉ लेके आया। आप देखेंगे कि ऑक्टेव का लॉ एक्चुअल में होता क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था डॉबी राइनर्ट ट्राइड्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से इसको सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 1 देखो, और फटाफट से उसका कॉमेंट बॉक्स में होमवर्क मुझे चाहिए यार। आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहते, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखा सकते हो दोस्तों। एंड साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, या फिर इसको भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज हमें पढ़ना है वो है दोस्तों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर और सुशील वर्ड दिख रहा है यहां पे आपको, क्या दिख रहा है, ऑक्टेव्स दिख रहा है। ये ऑक्टेव्स जैसे डॉबी राइनर्ट के पास क्या था, ट्रायड था, तिकड़ी था, लेकिन ये जो हमारे ऑक्टेव है ना, ये जो क्या नाम है न्यूलैंड भाई साहब जो है, इनके पास क्या है, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 का ग्रुप। अब ये क्या बोल रहा है कि जो डॉबी राइनर्ट था उसने 3-3 का ग्रुप बना के फिर एक हम ग्रुप में डाला था, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप डाला था, लेकिन ये जो न्यूलैंड है ये क्या 8-8 का ग्रुप बना के डाल रहा है क्या, नहीं। ये क्या करेगा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूलैंड था 1866 के अंदर न्यूलैंड जो कि एक तरीके से इंग्लिश साइंटिस्ट था, डॉबी राइनर्ट कौन था, जर्मन साइंटिस्ट, लेकिन ये इंग्लिश साइंटिस्ट। तो बहुत सारे क्या होते थे ना, इस प्रकार के कॉम्पिटिशन लगे होते थे। यूके जो था ना, यूनाइटेड किंगडम, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है आप जानते हो, और खासकर उस जमाने में 18th सेंचुरी में तो इंग्लिश का और जर्मन का थोड़ा बहुत चलता ही रहता था, पता है ना वो स्टोरी हिटलर वाली, ठीक है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने अरेंज किया, क्या अरेंज किया, जितने एलिमेंट्स थे उनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। यानी जो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा, जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होगा उसको सबसे पहले रखा होगा, उसके बाद जो एटॉमिक मास थोड़ा बड़ा होगा उससे, उससे थोड़ा बड़ा, उससे करते 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 उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से वो जो एलिमेंट्स है उनको उसने क्या किया, अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये चीज तो डॉबी राइनर्ट ने भी सोचा था, लेकिन उसने क्या किया था, वो ये करने के बाद, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है ना, वो कब किया था उसने, जब वो 3-3 का ग्रुप बना चुका था ऑलरेडी, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया कि पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, मतलब सबको पहले लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया, और फिर उसने क्या बोला, उसने मतलब जब अरेंज किया तो सबसे पहला जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट रहेगा, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो सबसे कम जिसका एटॉमिक मास रहेगा वो पहले नंबर पे रहेगा, और सबसे कम एटॉमिक मास कौन रहेगा, जो सबसे हल्का एलिमेंट रहेगा। तो सबसे हल्का एलिमेंट कौन था उस टाइम पे, हाइड्रोजन, जो कि उस टाइम पे सबसे हल्का एलिमेंट को पाया गया था, अब तक खोजा गया था, क्योंकि देखो बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी बाकी थी, अभी तक नहीं हुई थी उस टाइम पे, 1866 की बात हो रही है दोस्तों, मतलब उस टाइम पे 30-40 ही एलिमेंट खोजे गए थे। उसके बाद धीरे धीरे आज 2020-22 चल रहा है जो भी है, तो वो यहां तक आते आते हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और आगे जाके न जाने कितने और एलिमेंट्स आएंगे, हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन जब पड़ेगी तो 150 एलिमेंट हो गए होंगे, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, जो कि हाई क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है नोन, एंड एंड कहां तक हुआ, थोरियम, जो कि उस टाइम तक खोजा गया सबसे भारी भरकम एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था। तो स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन एंड एंड्स विद थोरियम, जो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट उस टाइम पे खोजा गया था, ठीक है। अब जब इसने प्रॉपर तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, उसके बाद हीलियम होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे अरेंज करता गया, थोरियम तक आके रुका वो, उसके बाद उसने क्या नोटिस किया, उसने फाउंड किया, क्या फाउंड किया कि हर 8वां जो एलिमेंट आ रहा है, यानी कि जो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा,
सातवां, आठवां, यानी कि जो पहला एलिमेंट है और ये जो आठवां एलिमेंट है, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज है। ऐसा कौन बोला? ऐसा बोला न्यूलैंड ने। डॉबेलाइनर क्या बोलता था कि मैंने तीन लोग का एलिमेंट को पकड़ के ग्रुप बना दिया और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कौन होंगे, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ऐसा डॉबेलाइनर ने बोला था। लेकिन ये जो न्यूलैंड भाई साहब है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैंने सबके सब एलिमेंट्स को एक के बाद एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। और उसने बोला कि जो मेरा पहला एलिमेंट रहेगा और उसके बाद उससे जो आठवां एलिमेंट आएगा, पहला और आठवां एलिमेंट के बीच में क्या होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज होगी, इसीलिए इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं, या फिर इनको हम लोग मानेंगे कि द एलिमेंट्स हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और सेविंग हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि उसने क्या बोला कि हर आठवां एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा उसने बोला। ठीक है, चलो ये मान लिया मैंने। अब यहां पे बोला इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोल सकता हूं एग्जांपल के तौर पे, यहां पे देखो ध्यान देना थोड़ा सा, एग्जांपल के तौर पे उसने बोला कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम किधर ढूंढो, ये मेरा सोडियम है और उसके बाद आठवां जो है ना, मतलब सोडियम से आठवां कौन है, लिथियम, मतलब लिथियम पहले बेटा समझ लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पहला और आठवां, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं पहला हूं तो मेरे बाद जो आठवां आएगा उसकी बात कर रहा हूं, उसी प्रकार। तो समझ लो मैंने लिथियम लिया पहले नंबर पे, तो उसी प्रकार सोडियम आठवां है, कैसे आएगा देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, तो ये कितना आ गया, आठवां आ गया। मतलब लिथियम मेरा क्या है, पहला, ठीक है, और सोडियम मेरा क्या है, आठवां। यानी कि कहीं ना कहीं जो लिथियम होगा और जो मेरा सोडियम होगा, ठीक है, लिथियम और सोडियम जो होगा दोस्तों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, न्यूलैंड के हिसाब से, क्योंकि इसकी थियरी अलग थी भाई, हर एक थियरी अलग हो सकती है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि 2 + 2 = 4 है, कोई बोलेगा कि नहीं 6 - 2 = 4 होता है, तो मैं गलत तो नहीं बोल सकता। तो सेम डॉबेलाइनर ने कुछ बोला, उसने किया, उसका सच भी हुआ, थोड़ा बाद में जाके रॉन्ग भी हो गया, इसने भी कुछ निकाला। अब देखते हैं इसका सच होता है कि रॉन्ग होता है, क्या होता है। तो इसने बोला कि लिथियम से पहला एलिमेंट था और सोडियम आठवां एलिमेंट था, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। उसी प्रकार मैग्नीशियम आठवां है बेरिलियम से, बेरिलियम किधर ढूंढो, तो ये बेरिलियम पहले पे होगा, वैसे मैग्नीशियम आठवें पे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों की भी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, बेरिलियम की सेम होगी, ये भी पहला और आठवां। उसके बाद बोरॉन का, सॉरी क्लोरीन का और इसका, जैसे बोरॉन का एल्युमिनियम का हो जाएगा, वैसे यहां पे आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का भी उसने लिया है, समझ लो ये फ्लोरीन पहले पे है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आठवें पे आ रहा है, देखो आठवें पे आ रहा है। मतलब फ्लोरीन का और क्लोरीन का भी क्या बोल रहा है उसने, क्लोरीन का और फ्लोरीन का भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, ऑल दिस हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, दैट इज फर्स्ट नेट एलिमेंट। और हमारा जो न्यूलैंड था उसने भी यही बोला था ना कि पहला और आठवां जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। तो अब तक तो बहुत सही चल रहा था, अब तक तो बहुत सही चल रहा था, हर एक का ना सेम सेम आ रहा था। देखो ये भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, मतलब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, लिथियम और सोडियम भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो ऐसा जब वो करता गया ना, तो ये चीज को उसने अपना एक नाम दे दिया, वो नाम क्या रखा दोस्तों उसने, वो नाम रखा उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या नाम रखा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो डॉबेलाइनर ने अपना ट्रायड बनाया था क्योंकि उसमें तिकड़ी थी, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था, वैसे ये क्या है, आठ आठ एलिमेंट का, पहला से लेके आठ एलिमेंट, फर्स्ट और एट एलिमेंट का क्या है, प्रॉपर्टी सेम हो रही है। तो इसने क्या कर दिया, उसका नाम रख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और अपना नाम भी दे दिया, भाई मैंने मेहनत किया ना, मैं भी अपना नाम दे दूंगा, जेसवाल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मैं अगर डिस्कवर करता तो मैं तो ऐसे ही नाम देता, राहुल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन भाई ये न्यूलैंड ने किया था तो इसने अपना नाम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन यहां पर जब न्यूलैंड जब था, जब ये चीज होने लगा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो थ्योरी थी ना, एक टाइम के आके रुक गई, एक टाइम आने के बाद इसकी जो थ्योरी है वो रुक गई। कैसे रुक गई, यहां पर हम देखेंगे, दैट इज लिमिटेशन। क्योंकि देखो उसका थ्योरी सही जा रहा था कि हर पहला और आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम आ रहा था, क्योंकि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ना, देखो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ना, ये भी एक ही ग्रुप में आ रहा है, एक ही ग्रुप में आ रहा है, एक ही ग्रुप में आ रहा है। लेकिन क्या सभी पहला और आठवां एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज वाकई में सिमिलर है क्या, उनकी प्रॉपर्टीज वाकई में सिमिलर है क्या, ये हम लोग को चेक करना बनता है। तो उसने क्या किया, जब और रिसर्च किया तो उसको पता चला कि ये जो लॉ है ना वो सिर्फ और सिर्फ कब तक, कैल्शियम तक ही सीमित था। यानी कि ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है, दैट इज कहां गया, दिस वन इज कैल्शियम। कैल्शियम के आगे की जितने भी चीजें आप ले लोगे, ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितनी भी चीजें थी हमारी, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी, फ्लोरीन और क्लोरीन वाली चीजें, सोडियम और लिथियम वाली, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाली। लेकिन ये जब हम लोग ने काउंट किया तो कैल्शियम के आने के बाद, कैल्शियम तक पहुंचने के बाद, उसके बाद जो कैल्शियम ले लो, उसके बाद आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक वो जो पहुंचा तो उसने पाया कि नहीं भाई कुछ तो प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो मतलब उसका जो थियोरी था, जो हमारा न्यूलैंड है उसका जो थियोरी था, वो कैल्शियम तक आते आते रुक गया, क्योंकि कैल्शियम के आगे के जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो प्रॉपर्टीज आ रहा था हर पहला और आठवां एलिमेंट का, वो अलग अलग आ रहा था। तो भैया उसने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो मैं बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने कैल्शियम क्रॉस किया
उसमें से पहला और हर आठवां जो एलिमेंट उसके बाद जो भी आ रहा है, पहला और आठवां एलिमेंट जो भी आ रहा है उसका मेरा थियोरेटिकल जो आंसर है, मतलब जो वैल्यू है, जो हमारा प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, वो अलग आ रहा है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8, तो यहां पे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जब उसने जब देखा ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां सॉरी ये आ रहा है, ठीक है ना, माफ करना, ठीक है, यहां पे देखो मैं आपको वही चीज समझा रहा था, यहां पे अब यहां पे देखो काउंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। देखो जैसे मैंने बोला कि ये कैल्शियम उसने पहला माना, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां यहां पे आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप में है ना, और अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम होती तो दोनों एक ही ग्रुप में आते, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। एंड क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ ये दोनों भाई साहब इनको एक ही ग्रुप में डाल रखा है दो दो चीज को, तो वो भी एक लिमिटेशन है अगर आप ध्यान दोगे। तो सबसे पहले मैंने देखा क्या बोला मैंने कि जो ये न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है न्यूलैंड का, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित है, कैल्शियम के आगे के जितने भी, कैल्शियम को वन पकड़ो और उसके आगे आठवां एलिमेंट को काउंट करो तो उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आप क्लियर कट देख सकते हो, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती एलिमेंट को घुसाया गया है, जो कोबाल्ट है और निकेल है इनको एक ही साथ रखा गया, और वो भी हमारा एक क्या है, ये भी एक हमारा एक लिमिटेशन है, जो कि आप देखो कि थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट आप देखो कि थर्ड पॉइंट देखो कोबाल्ट एंड निकेल एंड सीजियम एंड लैंथेनाइट जो है इसको सेम बॉक्स में रखा है। उस तो मजबूरी रही होगी भाई साहब की, उसने सोचा होगा कि भाई दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना, तभी रखा, तो ये चीज उसका क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, यानी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्ट है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था, ये हम लोग को पता चल गया। और साथ ही में न्यूलैंड ने प्लेस किया था हर एक जितने भी नोन एलिमेंट मिले थे उसको 7/8, ठीक है ना, 7/8 ऐसे टोटल 56 बॉक्सेस बनेंगे, इतने बॉक्स में इतने टेबल बना के उसने रखा था, और ये चीज बिल्कुल उसका क्या हो रहा था, सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, गलत हो रहा था। तो कोबाल्ट और निकल और सीजियम एंड लैंथेनाइट देखो ये वाला और एक ये वाला, ये इनको एक ही ग्रुप में रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटिंग में गड़बड़ करेंगे, इसके लिए इसके ही वजह से ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है यहां तक आके फेल हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि कोबाल्ट एंड निकल अंडर हैलोजन ग्रुप्स, एक और चीज देखो क्या गड़बड़ किया उसने कि ये पूरा हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब हैलोजन्स के ग्रुप होते हैं, पता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाडेन, ये सब हैलोजन्स के ग्रुप है, तो हैलोजन्स के ग्रुप में ये कोबाल्ट और निकल क्या कर रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि देखो हैलोजन्स अलग होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब अलग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, और ये जो कोबाल्ट एंड निकल है ये अलग है भाई, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे सेम हो सकती है, इनको एक ही ग्रुप में कैसे डाल सकते हैं, तो ये भी उनका गड़बड़ हो गया था, इसीलिए ये भी उनका क्या है, एक तरीके से लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। और यही जो प्रॉपर्टीज है ना न्यूलैंड का, न्यू एलिमेंट्स का, ठीक है ना, ये जो भी डिस्कवर हो रहे थे, यानी कि अब तक 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, 56 बॉक्सेस बनाए थे, एंड उसके बाद जितने भी चीजें चीजें वो धीरे धीरे खोज करता गया, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग एलिमेंट्स जब डिस्कवर होते गए, तब उसको पता चला कि वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, दे डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि ये जो भाई साहब ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था ये सभी के लिए लागू नहीं हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स यानी फर्स्ट से लेके 20 तक के एलिमेंट्स पे ही लागू हो रहा था, उसके बाद लागू नहीं हो रहा है। तो जब लागू नहीं हो रहा है तो भैया हम लोग ये लॉ को कैसे माने, क्योंकि लॉ सब पे होना चाहिए, ठीक है ना, तो लॉ सिर्फ 20 तक ही लागू हो रहा है, उसके कैल्शियम के पहले लागू हो रहा है, कैल्शियम के बाद नहीं हो रहा है, तो ये भी यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या कर गया, ये थ्योरी ये मेथड भी उसका फेल कर गया, यानी कि डोबेरानर्स की तरह उसका भी स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल हुआ लेकिन बाद में उसका फेल कर गया, उसी प्रकार यहां पे भी न्यूलैंड का भी स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हुआ लेकिन बाद में फेल हो गया, और इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी यहां पे अच्छी तरीके से नहीं माना गया, ठीक है। तो अब कौन आएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तो फेल कर दिया, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था दोस्तों मेंडेलीव, ये नाम तो आपने सुना होगा, तो मेंडेलीव भाई साहब आया, उसने भी कुछ अपना थ्योरी बताया, कुछ मेथड बताया, फिर उसने भी कुछ गड़बड़ की, वापस से खोज किया, तो ये सभी चीज जो है दोस्तों ये हम लोग आपको बताएंगे, बहुत मजेदार होने वाला है अगले लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर था, पूरा कंप्लीट तरीके से मैंने बता दिया, तो आज के लिए यहीं पे मैं इस लेक्चर को स्टॉप करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, और अगले लेक्चर का बस इंतजार करना, फटाफट से हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो फटाफट से शेयर करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।